रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। चेतावनी, बस 11 घंटे के अंदर भारत में फिर से आएगा मौत का बवंडर। इन तीन राज्यों में गृह मंत्रालय के अनुसार पिछले दो दिनों के दौरान आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से अकेले उत्तर प्रदेश में 73 जिंदगियां खत्म हो गईं। वहीं राजस्थान में भी 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार यूपी और राजस्थान के अलावा तेलंगाना में 8 लोगों की मौत, पंजाब में 2 लोगों की मौत और उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से कच्चे पक्के घरों, फसल, पेड़ों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में बने चक्रवाती परिसंचार तंत्र से आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से धूल भरी आंधी आने का पूर्वानुमान है। 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान में 8 राज्यों में अब तक कम से कम 114 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा तबाही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तूफानी तबाही आग की शक्ल में आई। यहां देर रात आए तेज आंधी के बाद लगी आग ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में लिया। क्यों आया तूफान? मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ था और दिल्ली में कम दबाव का क्षेत्र बना था। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बीच टकराव हुआ। इसका नतीजा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में तूफान के रूप में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंधी तूफान के कारण जनहानि पर दुख प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को राज्यों के साथ समन्वय बनाने और प्रभावितों को तुरंत राहत प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने को कहा है।